बतूल दे वेड़े च बिठा दित्तियां। तू ये दस बतूल दा दरवाजा भुला किवें वे ते पावलियां दे वेड़े तां कपड़िया किवें वे? कोई तेरी भी जिम्मेवारी है ना, वो पा अन्न खाना है। आ दुनिया के जिन्हें कारोबार करना बड़ी सोच समझ के करना पिया, मैं वारा खांदा ते वारा नहीं खांदा, ते इत्थे भी ते कोई सोच ले। ते दूजी गल एक होर अर्ज करा, जेड़ी बीबी जनती औरतां दी सरदार है, सरकारे सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कौनैन उम्मुल हसनैन, वो भी मेरे मुर्शिद अली दी बीवी, अली दी जौजा, अली दी खादिमा, ते जेड़े आदम तो लेके क्यामत तक जिंदी जवानां दे सरदार हैं हसन हुसैन, वो भी मेरे मुर्शिद अली, मेरे पीर अली, मेरे इमाम अली दे पुत्र, अली दे गुलाम, अली दे खादिम। एक जो होर दावत फिक्र देना दर कुरान दा वास्ता दे के करना पे कुछ हो, सोच लै फैसला इत्थे करने जिहदे नाल आखरत बननी आ। जन्नत च पुरशन भी दो ने, मिशकात दे विच बाबुल मिराज च लिखिया जेड़े कुल जन्नत दे जनाना पुरशन ने उन्हां दी इंचार्ज है फातिमा, जेड़े मर्दाना जन्नत दे पुरशन ने उन्हां दे इंचार्ज है हसन हुसैन। ते जिस मौला अली दे कदमां विच दो जहान दी सरदारियां सिर झुकाई बैठियां ने, कमली दे पुत्र उस वली नूं मुस्लिम शेखां नाल किवें मिलाई बैठा? क्यों मियां, मेरे उस्ताद गिरामी कदर मैं एक दफा कह लगे, आज तो वापस आए खाने छाने की, मैं दावत देन गया, मैं कह लगा गल सुन, खाली खौफे खुदा नहीं तू तेनू आया? असा तो समझिया थी भी चलो चार दिन फिर तुर के वापस आ जाएगा, ते तू शिया पक्का ही हो गया? मैं क्या जनाब पक्का शायद ना होंदा, तुहाडे कूड़ा पक्का कीता। आ झूठ बोल बोल के, झूठे फतवे, झूठिया तहकीक, झूठे बयान, तो मैं समझा थी इन्हों की तो बगैर झूठ लिभदी हुई नहीं। तो मैं शुरू किया भी केड़े केड़े नु गिन गिन के छड़ा, शुरू तो मुंडो फड़ ला तो सारे नु छड़ा। तो कुरान की आयत लानतुल्लाह अल-कादिबीन, कूड़िया से बार बार कर, तवक्कुन मा सादे कि सच्चियां दे नाल, नाराए हैदरी। तो सरकार कूड़ा मैनु पक्या की, बंदे आम तुर गए, दो त्रै पुत्र आन, दो त्रै खास शागिर्द आन, मैंने कहा गल सुन, मैं तेन ईमान की गल करता हाँ, मैं फरमा, मैं क्या ईमान को मेरा ईमान है, तुहाडे अल वेड़े नहीं कोई, तो तुसा ईमान की गल कि करनी है, पर चलो फरमाओ उस्ताद हो बुजुर्ग हो। मैंने कह लगे गल सुन, मैं तोड़ मके गया, अज की तो आलिम आदमी सा, हर थान गया, अल्लाह की कसम है मैं उत्थे खाने काबे शिया का कख नहीं दिता, उथे शिया का तुखम कोई नहीं, जेड़िया इबादत ने उथे जिन्हें वेख ने बाकी मुसलमान फिरके नहीं, मस्जिद नबी च वेखे ते हनेरे च वेखे ते काबे दे तवाफ, शिया का नामो निशान ही कोई नहीं, तोड़ हरमायन। मैं क्या जी साडा तो उथे सब कुछ, तुम कहते कोई नहीं, मैं क्या क्यों ये फरमाओ हाँ किसी काबे का तवाफ किया जे नहीं किया? मैं जेड़े खाने काबे का तवाफ किया जी, जे तो उ शिया का इमाम जमया तो तलक साडा, जे कोई थोड़ा जमे तो दसो, तुम जो कुरान एवं पहचानते हो शिया का कख नहीं, सब कुछ है ही शिया का। उसके बाद हजरे वैसवत को बोसा दिता जी, जी हाँ वो रंग केड़ा सी, काला सी, मैं सारी काले लिबास तो मुतबरक समझ के पहनने, तुम फतवा लाते हो दोस्तियां का, असी एहतराम करने रंग की वजह तो, ते फिर साडा तालुक हो गया तुहाडा, मिंबर ते चढ़ दिओ काला लिबास दो दुखियां दा। ओ जने दे पुत्र, ओ शियां दा मुहर्रम पिया हुंदा ई, काले कपड़े ना पाई, काला झंडा ना चाई, मातम ना करी, काली कमली वाली सरकार फरमाया ई, काला लिबास दो दुखियों। फिर तलब साडा शिया का उथे जो थोड़ा जी शिया का, मैं क्या मेरे गल करो मौला तो जाकर नहीं बैठा, आए बैठे
मैं क्या फिर उत्थे मैदान अरफात च गए सो सर? हां बिल्कुल। मैं उत्थे जोहरैन पढ़ी सा, जोहर असर उत्थे दोन माता पढ़िया जहां दोन माता उत्थे पढ़ी दिया। मैं पेशी डीगर कट्ठी पढ़ी सा जे के वक्री वक्री? आखे कट्ठी। ते मैं उत्थों तुसी माड़ी डीगर नूं निकले मुज़दलफा नूं गए तो उत्थे पहुंचे सोते, उत्थे शाम की नमाज सोते नाल ला के पेशी ते शाम ते कुफ्तान कट्ठी पढ़ी सा जे के वक्री है जी कट्ठी। ते मैं क्या नमाजा उत्थे साड़ियां पढ़ के आ गए हो? तो शिया तो उत्थे आए कोई नहीं, कभी शिया पेशी टीकर जमा करने मगर विशाख कट्ठी पढ़ने नमाज साड़ी पढ़ आया चाहते तो उत्थे आई नहीं। उत्थे जायज हैगी है, इत्थे नहीं उत्थे जायज हैगी है, इत्थे जायज नहीं। मैं कह जेड़ा अमल उत्थे जायज है इत्थे जायज नहीं। तो उत्थे मैदान मिनहा दे कुर्बानी भी दी जा दे। हां ते मैं जे नमाज उत्थों दी इत्थे नहीं पढ़ सकते तो उत्थों दी कुर्बानी इत्थे क्यों? दा 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 ता बकरा ता मार दियो, वो भी सिर्फ उत्थे ही इत्थे नहीं। बकरा इस वास्ते जायज है कि दो चार सौ की मोटी खल जेब आनी है। ते नमाज इस सलवात बड़ा मां वाजे बुलंद अर्ज करा। मैं क्या होर भी अगर चला सरकार गया? मैं क्या उत्ते सही बैन सफा वाल मरवा भी की अज अगे पहले त्यान ध्यान बड़ी मुश्किल है हूं तो क्यों रेशमे? अपनी बेगम सी रेशम बीबी उन्होंने मेरी उस्तादनी का ना उन्होंने फरमाते क्यों रेशमे? हूं तो बड़ी सूदी अरब ने अल्लाह ताला उन्होंने जजाय खैर दे बड़ी सहूलत कर दी, पुल बनाते हैं सीधे, ना चढ़ना पैंदा ना लहना पैंदा। बैन सफा वाल मरवा, सही बैन सफा वाल मरवा। मैं कहता मतलब मेरी ही उस्तादी नूं उस्तादनी नूं भी भजांदे रहे कि दौड़े उत्ते सही बैन सफा की क्या? मैं क्या जे तो हजरत इब्राहिम तो इस्माइल तो उदी मां हाजरा दौड़ी है ते तो इमाम इस्माइली है सब कुछ है, तो जे मेरा अली तो लैके माधी तक सारे इब्राहिमी ये ने तो फिर सही बैन सफा मरवा का तालुक साडा फिर अगर टुर हो गया। मैं कहते कोई कैंकर शेंकर भी मारे जे? हाँ मारे ने रमी जमरा शायद। मैं वो पत्थर क्यों मारते रहे हो एवं एवं बट्टे मारते रहे याने आ रहे? नहीं तो शैतान नू। मगे शैतान नू मारे सर एक थां पत्थर मारे जगह त्रऊ थाई अखे त्रै जगह मगे शैतान एक ते पत्थर त्रऊ थाई अगे वो शैतान एक ही थी शक्ल वखरी वखरी बेच सरकार इब्राहिम के सामने आया पहले एक रूप में उन्हें पत्थर मारे फिर नस गया फिर अगर होर रूट मटा के आया फिर मारे फिर उन्हें मारे पत्थर ते लाहौल पड़िया ते नस गया ते फिर आया ते फिर मारे ते मैं क्या शैतान नाम मुराद त्रऊ की शक्ल च क्यों नहीं आया? क्यों आया होर चौखिया शक्लों च क्यों नहीं आया तो दूं च क्यों नहीं आया? तो फिर वट्टे मारन का ना ही तबर्रा नफरत ते मोहब्बत का ना ही तवल्ला। ये तबर्रा साडा ते अमल करके पट्टे मार मार आए शैतान ने शिया का उत्थे शाही कोई नहीं। अब्दुल वाहिद ये गल वेख जरा क्यास कर ये जो अगे साढ़े हल होंदा सी एडा चलाक ते नहीं सी। तू यारा गल कर तू आया किवें तू गल छड़ बहस हुण छड़। मैं आख्या मैं इस वास्ते आया भी तुसां वादा कीता सी भी हज तो वापसी तेरा खाना खाण दा ते मैं तुहानूं पाबंद करन आया विद फैमिली। कह लगे भाई ठीक है असी खावे बिल्कुल। मैं डेढ़ देर दे देती दे फिर मैं क्या एक गल होर भी करना आया कि मैं तुम्हें समझा आया कि रसूले पाक का फरमान है कि अल मोमिन युहिब्बुल अखी है मा युहिब्बुल नफ्से। मोमिन होंगे जी शहर अपनी जात लिए पसंद करे दूजे वास्ते भी पसंद करे। तो तुम मेरे उस्ताद हो तो तुम प्यों बजाओ जो तो मैं समझिया कि जवाना ने जंदे से सरदारा दे लड़ लग गया तो मैं ये तो नहीं जानता तुम यजीद अल मरते रहो आम झड़ गया ने हम तुहाडे खास मौलवी तो उतरे शगिर्द रह गए तो या पुत्र ने गैर तो कोई नहीं ना गया। मैं आख्या या मैनू आई सुनी बना लो भाभी बना लो तो या पलट के शिया हो जाए। मैं आ दलैल दिते जो तुम्हें पहला सुनाए ने घर घर भी नबिया का सरदार वली वलिया का सरदार बीबी मुखदरा इसमत मैं फिर कौन दसे? मैं चुको उधरों आया मैं पता कि राग न नश्तर मारी है तो मौल भी फड़कदा जेड़ी राग अपनी छुट्टी सी वही मौलवी नहीं सुनाना चाहिए।
कोई भाते हैं, कौन से लोग जो नामी अली सुन के बदल जाते हैं। अल्लाह नबी को वही भाते हैं जो नामी अली सुन के बदल जाते हैं। उस्ताद जो बुग्ज रखते हैं अली इब्ने अबी तालिब से इस्लाम के दायरा से निकल जाते हैं। मैं कह सरकार बिस्मिल्लाह ए को 10 मिनट तुहानू होर तकलीफ देने छुट्टी कर लेना। चलो मुसाहिब ना परसा मौला दे जाकर ये ना समझन पे टाइम ज्यादा लै गया, गल बड़ी जरूरी है। मैनू कहने लगा भी यह दलायल ते ना ते ना हदीसा तो इनकार हो सकते ते ना एता तो कोई बंदा मुनकर हो सकता। यह गल ते लोई रंगी पक्की है ते गल ए वा तेरा इस्तदलाल बड़ा मजबूत है, सिवाय इस दे के असी तईद कर दईए पुत्र होर चारा कोई नहीं। पर असी शिया होए इस वास्ते नहीं होंदे पाए कि आ जिहड़े शिया च को गंद है ना लफ्ज उन्हें गांधी वरते ते कमजोरियां ये कदी ना ना होंदियां। ते मैं भी कई दफा सोचा पेशिया हो जाइए। मैं कह जी वह गंद किनू कहते हो कमजोरियां? चलो कमजोरियां, मैं कह गैर पार्लीमानी लफ्ज तो सब बोलिया अखे चलो कमजोरियां ने गलतियां ने। शिया कौम में कभी ये दो गलतियां ना हो तो शायद मैं भी आते छोड़ देना। मैं क्या केड़ी? एक तो शिया सहाबा इकराम नू नहीं मानते, सहाबा रसूल सहाबा वो गल करो वो शिया साहबा वो अगले दिन तेरी तकरीर दी मैं कैसे सुनिए? तू कुछ 15-20 किताबा का ना लिया सवाए के मोर कसने भाई आशा की रिवायत की फिर रसूल फरमाया नजर ओला वजह लिए निबाद अली दे चेहरे का वेखना खुदा की इबादत है। मैं क्या बिल्कुल सही है, वो जे अली पाक का वेखना इबादत है तो नबी पाक का वेखना भी तो इबादत है ना। मैं क्या बड़ी इबादत है तो फिर जिन्ना सरकार के सामने बह बह के सरकार के दीदार किए जी तो सरकार के जमाल पाए ते सरकार ना नमाजा पढ़िया सरकार ना रोजे रखे सरकार ना रल के हज किते काबे दे तवाफ किते मैदाने जांदे जात किते एडे बाब सीरत ना बेटियां तक नबी तो कुर्बान कीती उना सहाबा दे मुनकर शिया उदे कोल शगिर्द बैठा दी मौली साहब छको जना पुछो शिया वाले बड़े खराब चे शिया वाले शिया ना शिया वाले ये बड़े खराब चे ये सहाबा इकराम नूं ते कख नहीं वेंदे। मैं क्या ना जनाब ये लानत अल्लाह अल-काज़िबी ये अल्लाह ने कूड़िया से लानत की है। असा शिया मनते हैं सहाबा इकराम नूं पर उवें उवें मनने जिवें अल्लाह का पाक कुरान मनाए उंज नहीं मनते जिवें ज़ियाउर रहमान फरमाए। कुरान किसी आला कह आला मनते हैं अदना कह अदना मनते हैं उच्चा कह उच्चा मनते हैं जिका कह जिका मनते हैं। कुरान किसी करार फरमाए करार मनते हैं कुरान किसी फरार दिखाए फरार मनते हैं। अगर कुरान रसूल के चाचे अबू लहब नूं छुड़ाए ते आयत लेके आ जा तबत यदा अबी लहब तब ते असीं भी कहांगे भावें नबी दा चाचा कुरान कहिंदा तबत असीं कहिंदे आ बार बार ते कुरान नबी दा सहाबी बलाल हबशी क्यों ना हो? असीं उहदी जोड़ा बरदारी जुतियां समझना सवाब समझने। अगर शिया सहाबा इकराम दे मुनकर होंदे पर अहम पॉइंट है ते बेनता दो विच अगर शिया सहाबा इकराम दे मुनकर होंदे ते बिलाल हबशी हबशी सहाबी रसूल नूं भी ना मानते। अगर शिया सहाबे रसूल दे मुनकर होंदे ते हजरत अबी ज़र गफारी सहाबी रसूल नूं भी ना मानते। अगर शिया सहाबे रसूल दे मुनकर होंदे हजरत सलमान फारसी सहाबी रसूल नूं भी ना मानते। अगर शिया सहाबा इकराम दे मुनकर होंदे ते हजरत हुज़ैफ़ा यमानी सहाबी रसूल नूं भी ना मानते। अगर शिया सहाबा इकराम दे मुनकर होंदे मिकदाद बिन अस्वद सहाबी रसूल नूं भी ना मानते। अगर शिया सहाबा इकराम दे मुनकर होंदे हमारे यासर सहाबी रसूल नूं भी ना मानते। अगर शिया सहाबा इकराम दे मुनकर होंदे ते हजरत अबू तुहैल सहाबी रसूल नूं ना मानते, अबी दा ज़ैद खुदरी नूं ना मानते, ज़ैद इब्ने अरकम नूं ना मानते, बराह इब्ने आदम नूं ना मानते, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नूं ना मानते, इब्ने मसूद नूं ना मानते, अबू दुजाना नूं ना मानते। और कुरान मेरे हाथ च मौलाना शिया सिर्फ मानते हैं सहाबा इकराम नूं दरे रसूल और बतूल तो लैके ताजुद्दीन हैदरी दे हैदरी हाउस तक कुल शिया मनते हैं सहाबा इकराम नूं। असीं शिया मुनकरां सिर्फ मुनकरां सिर्फ मुनकरां सिर्फ रसूल दे आले रसूल दे मुनकरां दे। ते दूजी गल है कि मातम मैं क्या आदम तो लैके हजरत अबू हुरैरा तक
ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਇਣਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮਾਤਮ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਜੇ ਐਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ,